हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं अपना डोंबिवली मानकोली का ब्रिज दिखाने वाला हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, ये अपना मुंबई नासिक हाईवे जो कि पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है। मैं अभी फिलहाल इगतपुरी से आ रहा था तो इतना भयंकर ट्रैफिक था ना, अपना भूमि अपना कल्याण फाटा के यहाँ से, भिवंडी बाईपास के यहाँ से मजबूत वाला ट्रैफिक था यहाँ पे। सो एनीवेज, आपको अगर आप टूवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हो, मतलब इगतपुरी साइड या उस साइड से आ रहे हो या फिर थाने से आ रहे हो, तो आपको एक याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लजीज ढाबा करके है पीछे। लजीज ढाबा के यहाँ से आपको एक डाइवर्शन मिलेगा, ये वाला, ये डाइवर्शन से आपको अंदर जाना है, ठीक है। मानकोली ब्रिज यहाँ से कुछ है अंदर, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली जा रहा हूँ, बट लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स। ओके, लेट्स मूव। जैसा कि मैंने बताया, आज अपन मानकोली ब्रिज से जाने वाले, डोंबिवली मानकोली ब्रिज से। तो ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं आ रहा हूँ यहाँ से, बट एक मैं बोलना चाहूँगा, जब तक ये मुंबई नासिक हाईवे का काम नहीं होगा ना, ये लेन एक्सटेंड नहीं होगा ना, तब तक है ना, यहाँ से भी आप जाओ, कहीं से भी जाओ, दिक्कत होने ही वाली है। नॉर्मल रूट से जाओगे तो आपको कल्याण का और कोनगांव का यहाँ का पूरा ट्रैफिक मिलेगा, प्लस ये वाला हाईवे का भी ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ से भी जाओगे तो भी आपको मुंबई नासिक हाईवे का ट्रैफिक मिलने ही वाला है, बहुत भयंकर वाला ट्रैफिक है, ख़तरनाक वाला है। मुझे एक्चुअली मैप में यही रूट दिखाया, यहाँ से जाओ करके बोला, तो मैंने सोचा चलो ट्राई मार लेते हैं और एक अपना वीडियो भी हो जाएगा, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो ब्रिज है ये अनऑफिशियली ओपन है, मतलब एक ही साइड का ओपन है जिसमें टू वे कर दिया है लोगों ने, तो फिलहाल के लिए क्राउड ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं कभी इसका ओपनिंग होगा, बिकॉज अब तक ओपनिंग कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। हम लोग को लगा था कि 3 तारीख को कुछ ओपन होगा, बट अभी ऐसा लग रहा है शिवरात्रि को होगा, बट नो आइडिया, मतलब कहाँ से क्या ओपन होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कुछ पता नहीं है अभी। बिकॉज यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे है ना पीछे काम भी बाकी है टनल का सब, ओके। और यहाँ पे डेवलपमेंट देखो, ख़तरनाक वाला डेवलपमेंट स्टार्ट हुए है, एकदम ज़बरदस्त वाला डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। और पूरा जो रोड है पूरा कंक्रीट का ही रोड है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड भी डाला हुआ है। आई थिंक ये लोधा है, हाँ ये लोधा का साइट है पूरा। देखो डोंबिवली रेलवे स्टेशन 4.8 किलोमीटर, कल्याण 9 किलोमीटर, ठीक है, अपने को कल्याण नहीं जाना है। ये देखो पूरा रो हाउस है यार, एक नंबर है। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस साइड, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। ये लोधा का ही है मोस्टली, तो बिकॉज ये लाइन में इतने सारे रो हाउसेस बांधे, खतरनाक है यार, एक नंबर है, डेवलपमेंट एट द पीक ऐसा बोल सकते हो आप। ये रोड अभी फिलहाल के लिए जैसा कि आप देख रहे हो पूरा खाली है, बहुत मिनिमल जो ये है क्या बोलते हैं, ट्रैफिक है, मूविंग व्हीकल्स है, बिकॉज फुल्ली ओपन नहीं हुआ है अभी तक। जब ओपन हो जाएगा तब भयंकर वाला, यहाँ पे पूरा डोंबिवली का क्राउड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, एटलीस्ट वेस्ट साइड का तो क्राउड शिफ्ट होने ही वाला है, नहीं नहीं बोल के भी। आपको फुल में राइड एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट आना है आपको, कुछ टर्न बीन कुछ भी नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने मैप में देखा है, बट मैं इस रोड में पहली बार आ रहा हूँ। यस, लोधा, यहाँ पे हमारे पहचान के आंटी रहती है, मैं आया नहीं हूँ यहाँ पे, बट आई नो हमारी बिल्डिंग की आंटी है। तो ये लोधा है। अब सीन कैसा है, इन लोग को अगर डोंबिवली आने का रहेगा तो आपको ऑटो पकड़ना पड़ता है, ऑटो पकड़ के ब्रिज के एंड तक आना पड़ता है, ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते वो लोग, डोंबिवली में नहीं आ सकते, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो करना पड़ता है ऐसा सीन था, मतलब ऐसा सीन है। इससे पहले जब ये ओपन नहीं था, फ्लाईओवर ओपन नहीं था, तो बेसिकली क्या होता था, ये लोग आते थे ऑटो से जेटी के यहाँ पे, जेटी के यहाँ से अपना ये कर देते थे। ओके, सो दिस इज़ द हाईवे, ये जो है यहाँ से अपना डोंबिवली का ब्रिज स्टार्ट होता है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा ओपन करके रख दिया है, आई डोंट नो उस साइड से ओपन किया है क्या करके, बट गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, मतलब वहाँ से ओपन नहीं है, बंद है वहाँ से, बट ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लाईओवर, डोंबिवली मानकोली फ्लाईओवर। बहुत ही बढ़िया
फ्लाईओवर बांधा हुआ है, 6 लेन फ्लाईओवर है ये। हम लोग शाम के टाइम पे, मैं और सो मैं यूजुअली यहाँ पे वॉक करने आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अंदर है ना चलने के लिए रास्ता दिया है, और ये वाला लेन तो पूरा बंद ही है, ये वाला रोड, तो अपने को टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा करके फैमिली वाले लोग वॉकिंग करते हैं, और अभी कैसे है, ब्रिज पूरा ओपन नहीं हुआ है, तो पब्लिक का फ़ोटोशूट रील वील सब चालू है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया फ्लाईओवर है, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है ये स्वामीनारायण सिटी है, तो ये अपने डोंबिवली का है। एंड अभी ब्रिज ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ चुका है, ओके डन डन आर डन, दिस इज द एंड ऑफ द ब्रिज। अब यहाँ पे एक मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्या होने वाला है। अब यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे ना तो रेलवे फाटक लगता है, और रेलवे फाटक में अगर ट्रेन गलती से आ गया और ट्रैफिक मतलब मूविंग ट्रैफिक बहुत रह गया तो दिक्कत बहुत होने वाली है बॉस, बहुत मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी मैं थोड़ा पीछे जाके है ना थोड़ा फ़ोटोज़ निकालता हूँ। सो हाय गाइस, अभी मैं फ़िलहाल हूँ डोंबिवली मानकोली ब्रिज पे, एंड जैसा कि आपने देखा जो ब्रिज है प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है। अब एक फ़ायदा ये होगा कि आप अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो नए नए बोल के आप 10 या 15 मिनट में है ना माझीवाड़ा साइड पहुँच जाओगे यहाँ से डोंबिवली से। और अगर आपको स्टेशन जाना रहेगा तो एक पकड़ लो 20 मिनट पकड़ लो, बिकॉज यहाँ से अपन जब भी एग्ज़िट मारते हैं ना वहाँ से स्टेशन कुछ अराउंड 12 किलोमीटर है। बट प्रॉब्लम एक ही है, मुंबई नासिक हाईवे पे ना मजबूत वाला ट्रैफिक रहता है, उस वजह से आपका टाइम जो है वो डिले हो जाएगा। कोन गांव से भी होने के टाइम पे ना यही दिक्कत हो रहा था, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लगता था थाने पहुँचने के लिए, बट अभी वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है डोंबिवली वालों के लिए, बिकॉज अपन यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही मेरे को बताना था, ब्रिज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप सो कि ये थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है ड्रिल क्या है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना गाइस, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ।